यहाँ पे। अच्छा तीसरे गियर में जा रही है ना। बहुत ही पुरसकून जगह, बहुत खूबसूरत व्यू। ये अब हम आ गए मोटरवे पे, असलम मोटरवे, मरी की मोटरवे, यानी जो हाईवे बनाई हुई है इन्होंने मोटरवे का नाम दिया हुआ है। बाबा लाल शाह की तरफ पथरे आटा रोड में जा रहे हैं इस टाइम, ड्राइविंग भी हो रही है साथ साथ। मैंने सोचा आपको ज़रा इसका भी व्यू करवा दें। ये आ गया बोर्ड पथरे आटा का, ये पथरे आटा शायद आपको नज़र आ गया हो। यहाँ से आगे अभी थोड़ा सा आगे है न्यू मरी वाली तरफ से हम आए। वहाँ पे मोटरवे ट्रैफिक पुलिस थी, इसलिए मैंने वहाँ पे जो है ना वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा। ये देखें जी, ये चेयर लिफ्ट और पथरे आटा, यहाँ से नीचे बाबा लाल शाह को ये रोड मुड़ती है। ये यहाँ से हम नीचे जाएंगे। ऐसा यहाँ पे आने सबसे ज़बरदस्त जो है ना ये यहाँ पे छली वाला होता है। ये छली वाला यहाँ पे जो है ना अक्सर मेरे बच्चे यहाँ पे खाते हैं। ये न्यू मरी चेयर लिफ्ट पथरे आटा 6 किलोमीटर, यहाँ से छोटी रोड शुरू हो जाती है। काफ़ी छोटी रोड है ये। बाबा लाल शाह पहुँच के इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होती है। मैंने कहा यहाँ का व्यू आपको ज़रा दिखाऊँ, बहुत खूबसूरत। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये शॉल्स बिक रही हैं, वैरायटी सारी। बाबा लाल शाह के रोड पे जो पथरे आटा वाली रोड है, यहाँ पे आगे मैं आपको इंशाल्लाह जहाँ पे बाबा लाल शाह ने चिल्ला काटा था, चिल्ला का है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ इंशाल्लाह। अभी जा रहे हैं उसी तरफ हम। मेरे मोबाइल की ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा है जिसकी वजह से क्लियर व्यू नज़र नहीं आ रहा, नहीं तो जैसे शाम का मौसम होता है बहुत खूबसूरत, ठंडी छाँव कभी आ जाती है कभी धूप आ जाती है। हालांकि हमारे इधर इस्लामाबाद रावलपिंडी का मौसम बहुत गर्म है इस वक्त, सितंबर का महीना है और काफ़ी गर्मी थी जब हम निकले थे, लेकिन यहाँ पे इतनी सर्दी है, इतना अच्छा मौसम है कि कोट शॉट की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही, लेकिन ये है कि जिस्म पे पसीने का नाम और निशान नहीं है। ये अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ चिल्लागा की तरफ। यहाँ पे सुनने में आया कि यहाँ पे बाबा लाल शाह क़लंदर, इन्होंने यहाँ पे चिल्ला काटा था। मैं ज़रा गाड़ी साइड पे लगाता हूँ फिर आपको यहाँ से इसका व्यू देता हूँ मैं। ये जी ये रहा चिल्लागा, हज़रत सैयद बाबा लाल शाह हुसैन काजमी मुशाहिदी क़लंदर। एक पहाड़ी सी है काफ़ी नीचे करके है चिल्लागा, मेरे ख्याल काफ़ी नीचे है बना हुआ कहीं।
बहरहाल ये व्यू आप कर सकते हैं यहाँ से, बाढ़ सी लगाई हुई है, बंद किया हुआ है सारा। ये व्यू है जी सारा, बहुत खूबसूरत छाँव है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक हो? ए कितने दूर है चिल्ला गए तू? अच्छा अच्छा खड़े हो गए सिर्फ यहाँ से दुआ, वो नीचे आ गया है। ठीक, कितने दूर है? साथ ही है। को बनाया हुआ है वहाँ पे? सरकार की बैठक, सरकार की बैठक बनी हुई है। ठीक हो गया, यहाँ पे दुआ कर लेते हैं जी हम भी। ये बाबा लाल शाह ऊपर लिंक रोड से ऊपर जब होते हैं ना, वहाँ से ये व्यू है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, लेकिन कैमरा कैच नहीं कर रहा। ज़बरदस्त व्यू है, गाड़ी। अच्छा जी, ये अब हम बाबा लाल शाह कलंदर के आते में पहुँचे, वो सामने आपको रेस्ट हाउस नज़र आ रहे हैं वहाँ भी है, तो चलिए चलते हैं। अभी हम अभी गाड़ी पार्क करेंगे पार्किंग में, फिर चढ़ के ऊपर जाएंगे। ये हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर ली है, पार्किंग का व्यू भी देख लें जी। ये जगह पार्किंग की, अभी तो कोई इतनी रश वगैरह नहीं है, तो चलिए चलते हैं अब आगे। ये सामने कोई दुकानें वगैरह हैं यहाँ पे बनी हुई, वो सामने भी हैं, स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं सारे। सरकार फोटो जोड़ चादरें शादरें आपने लेनी है या कोई? ये देखें जी, ये मैं ज़रा क्लोज करता हूँ। 11-18 जून यहाँ पे उर्स मुबारक होता है बाबा लाल शाह कलंदर का। ये देखिए जी, ये यहाँ पे अपने चादर ख़रीदनी हो, फूल शूल चढ़ाने हो, या इसके अलावा कोई ख़रीदारी वगैरह करनी हो, तो यहाँ पे देखते हैं अभी चादरों के क्या रेट्स वगैरह हैं। ठीक है, ये लाल चादर खरीदी है एक बड़ी साइज की, एक सब दे दो छोटी सौ वाली, एक दी है 250 की, एक है 100 की। ये फूल हैं, दीवे, तेल, अगरबत्ती, ये खुर्दा वगैरह, जो चीज़ भी आप लेना चाहें यहाँ पे हर चीज़ दस्तयाब है। काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है दरबार हजरत का। ये यहाँ से आप व्यू देखें तो वो ऊपर तक हमें पैदल जाना पड़ेगा, काफ़ी ऊंचाई है। ये मैं जूम करता हूँ, कैमरे का पिक्सल फट जाता है, यहाँ तक हमें पैदल जाना है। ये रहा चश्मा, ठंडा बर्फ यख पानी। यहाँ पे पीछे वाशरूम्स वगैरह बने हुए हैं, ये नलके वगैरह लगे हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त ठंडा बर्फ पानी।
ये देखें जी सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बस बाबा लाल शाह ये बाबा लाल शाह के दरवाजे के बिल्कुल सामने, दरबार मुबारक के बिल्कुल सामने सरकार पे शेर आते थे। सरकार पे यहाँ पे सुनने में शेर आते हैं। ये अभी तो ये बने हुए हैं पत्थर के मेरे ख्याल बनाए, लेकिन पहले यहाँ पे सुनने में आया कि यहाँ पे शेर आते होते थे हर जुमेरात को सलाम करने के लिए। इतनी हिस्ट्री तो मुझे नहीं पता, अगर कहीं गलत हुआ हूँ तो मुझे मुआफ़ कर देना। बैठ जाओ बेटा, ये चिल्ला गया है सरकार का, यहाँ पे चिल्ला गया है। कितनी खूबसूरत जगह, वो ऊपर करके लंगर खाना है, यहाँ पे लंगर मिलता है हर टाइम फी सबीलिल्लाह। रियान हर बार आके खाता है, इसलिए रियान पूछ रहा है कि अभी भी मिलेगा। मैंने कहा जी मिलेगा। ये यहाँ पे नीचे छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं, मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए हैं। व्यू चेक करें, कितना खूबसूरत व्यू है। टॉप ऑफ फील। हाँ जी चलते हैं अंदर। ये ऊपर नहीं चढ़ते बेटा, नीचे हो जाओ। यहाँ पे हजरत साहब बैठते होते हैं, जो साहबजादा साहब हैं इनके आगे गद्दी नशीन शाह साहब। ये हमारे मामू हैं, पक्के मुरीद हैं बाबा लाल शाह के, कलंदर। बहुत बहुत जो है ना ये प्यार करते हैं इस दरबार से। फकीरी है इनकी, यहाँ इनके साथ लगी हुई। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ यहाँ की एक एक चीज़ को, इनसे मुझे बहुत प्यार है। कलंदर शाह बियाबानी काजमी। ये वो पत्थर हैं जिनके ऊपर पांव रख के तो चिल्ला काटा था बाबा साहब ने।
علی مولا आज qalandar जाने qalandar काम करने ये qalandar पावल तू है अली मौला अली मौला अली मौला बाबा जहां दर्द है वहां तेल लगा ले मुझे कमर दर्द है क्या ले बता ये नाइट व्यू है जी माल रोड का न्यू मरी माल रोड इंट्रेस है अभी यानी कि इधर से ऊपर अभी हमने माल रोड की तरफ जाना है वो वाला जो है रास्ता है वो नथिया गली या यूबिया रावलपिंडी की तरफ निकल जाता है और ये इस टाइम हम बिल्कुल चौक के अंदर खड़े हुए हैं जी वो वाला बूरबन चला जाता है इस तरफ से जो है ना एक्सप्रेस वे है जिसको मोटर वे के नाम से भी लोग जानते हैं ये बर्गर शॉप है ये प्यारे भाई हैं समोसे हैं पकौड़े सीख कबाब वगैरह ये बर्गर बना रहे हैं जी देखें वाल स्पेशल या करी बनाया ला हां